नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे एक हाथ में कॉन्टैक्टर है और एक हाथ में हमारी ग्लास रिले है। कहने को तो दोनों जो हमारे डिवाइस है वो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी कि इलेक्ट्रिकल सप्लाई से ही ये हमारा ऑपरेट होगा। वैसे ही इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से हमारी ये ग्लास रिले ऑपरेट होगी। फिर भी इन दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, क्योंकि कॉन्टैक्टर का यूज़ हम किसी और पर्पज़ के लिए करते हैं और जो हमारी ग्लास रिले रहती है इसका यूज़ हम कहीं अलग पर्पज़ के लिए किया जाता है। और कई बार लोगों को, या जो इलेक्ट्रिकल में अपना लाइन में अपना काम कर रहे हैं, जब जो इस फील्ड में नए हैं, उनको हमेशा इन दोनों प्रोडक्ट के बारे में कन्फ्यूज़न रहती है कि कॉन्टैक्टर और हमारी ग्लास रिले कहाँ पे यूज़ होती है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं इन दोनों के बारे में मेन डिफरेंसेज बताऊँगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर डिफरेंस से पहले अगर मैं इन दोनों की कॉमन बातों के बारे में बात करें, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड डिवाइस है, ये भी हमारा इलेक्ट्रिकल से ऑपरेटेड डिवाइस है। इसके अंदर भी हमें 220 वोल्ट की कोयल मिलेगी और इसके अंदर भी आपको 220 वोल्ट की कोयल मिलेगी, जैसा आप देख पा रहे होंगे। इसमें भी आपको एनो पॉइंट मिलेगा, जैसे ही हम इसमें सप्लाई देंगे तो ये हमारा एनसी बन जाएगा, हमारा हमें आगे से हमारा जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा। इसी तरह ही इसमें भी जैसे ही हम ए वन ए टू पे सप्लाई देंगे तो जो हमारे ये कॉन्टैक्ट है वो ऑन हो जाएंगे और उसके ऑन होते ही हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या हुआ? तो जो मेन डिफरेंस वो ये है, जो हमारा जो कॉन्टैक्ट है ये हमेशा हमारा हैवी लोड के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे हमारा 10 एम्पीयर, 20 एम्पीयर, 30 एम्पीयर, 40 एम्पीयर, 200 एम्पीयर, 250 एम्पीयर, 300 एम्पीयर, उस लोड को अगर हमें पास करवाना है तो उसके लिए हमेशा हम कॉन्टैक्टर का ही यूज़ करेंगे। और इसके अलग से अगर हम ग्लास रिले की बात करें तो जो मेरा ग्लास रिले है वो मैक्सिमम 15 एम्पीयर तक का ही करंट को पास कर सकता है। वो भी जो 15 एम्पीयर की ग्लास रिले होगी वो भी आपको कुछ सिलेक्टेड कंपनियों की ही मिलेगी, जो मोस्टली आपको मार्केट में इजिली मिलेगी वो 6 एम्पीयर तक ही मिलेगी। तो मेन डिफरेंस तो हो गया इसका करंट, जो हमारा करंट पास करने की जो कैपेसिटी है वो इसका मेन। अगर हम दूसरे डिफरेंस की बात करें तो इसमें जो हमारे कॉन्टैक्ट रहेंगे, इसमें हमें जो कॉन्टैक्ट रहेगा उसमें हमें जो पहले 3 पॉइंट होंगे ये हमें हैवी ड्यूटी के मिलेंगे, जो हमारे L1, L2, L3, नीचे L T1, T2, T3 के कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं, ये हमारे हैवी कॉन्टैक्ट रहेंगे। इसके अलावा हमें एक 6 एम्पीयर के लिए भी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, और अगर हम इसके कॉन्टैक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लग जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे फोटो पे नज़र आ रहा होगा, वो इसके ऊपर हम एक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा देंगे जिससे हम इनके कॉन्टैक्ट को बढ़ा सकते हैं। और अगर हम बात करें कॉन्टैक्ट को लेके ग्लास रिले की, तो इसमें जैसे कि ये मेरी 8 चैनल की, ये मेरी 8 पॉइंट की ग्लास रिले है, ठीक है। जो इसमें हमें पॉइंट मिलेंगे वो मिलेंगे, 8 पॉइंट का मतलब हो गया कि हमें 2NO, 2NC और 2 कॉमन मिलेंगे, और इसके साथ हमें A1, A2 की इसकी कॉइल सप्लाई, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हमें इसमें 8 टोटल हमें 8 पॉइंट मिलेंगे, जिसमें हमारी 2 तो A1, A2 के लिए यूज़ हो जाएगी और जो बाकी रहेगी 2 कॉमन, 2 NO और 2 NC, तो इसमें हमें 8 पॉइंट ही मिलेंगे। अगर हमें इससे ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेने होंगे तो हमें 11 पिन की लेनी पड़ेगी, जिसमें हमें 3 NO, 3 NC, 3 कॉमन, A1, A2, यानी टोटल हमारे ये 11 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर इससे ऊपर जाना होगा तो हमें 14 पिन की लेनी पड़ेगी, जिसमें हमें 4 NO, 4 NC, 4 कॉमन और A1, A2 मिलेगी, वो हमारी 14 पिन की होगी। अगर हमें इससे ज़्यादा पिन की लेनी होगी तो उसके लिए हमें अलग से दूसरी ग्लास रिले यूज़ करनी पड़ेगी, हम इस ग्लास रिले में वो कॉन्टैक्ट नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जो मेन डिफरेंस इसमें कॉन्टैक्ट का हो गया, इसमें हम कॉन्टैक्ट को बढ़ा सकते हैं, और इसमें हमें लिमिटेड बात करें तीसरे पॉइंट की, जो तीसरा पॉइंट इसका ये है, मेन यूज़ ये है कि इसका हमेशा हम हैवी लोड में यूज़ करेंगे, यानी कि इसका जो यूज़ है वो हम अपने मोटर को चलाने के लिए, या फिर हमने हमारे जो हीटर लगे होते हैं हैवी लोड के हीटर होंगे उसको उसके करंट को पास कराने के लिए हम इस कॉन्टैक्टर का यूज़ करेंगे, जबकि जो हमारे ग्लास ले लेंगे उसका हमेशा यूज़ हम जो हमारी कंट्रोलिंग रहेगी उसको कंट्रोल करने के लिए हम ग्लास सिले का यूज़ करते हैं। तो जो 3 डिफरेंस इसके हो गए दोस्तों, अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें, जो मेरा चौथा डिफरेंस रहेगा वो रहेगा इसका ड्यूटी साइकिल। अगर ड्यूटी साइकिल से इसका मतलब है कि हम इसे कितने टाइम चला सकते हैं,
यानी कि अगर हमें इसे एक बार ऑन कर दिया तो इसे हम लंबे टाइम तक इसे ऑन रख सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी, इसकी वर्किंग, इसकी लाइफ में कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर दूसरी सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो करंट कैपेसिटी की रेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर हम बात करें ग्लास सेल की, तो इसको हम लंबे टाइम तक नहीं चला सकते, लेकिन इसमें हम स्विचिंग, तो जो इसकी स्विचिंग रहेगी हम उसे लगातार कर सकते हैं, यानी कि इसमें हम ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ मैक्सिमम टाइम कर सकते हैं, उसमें इसकी एफिशिएंसी, उसके कैपेसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें पांचवें डिफरेंस के बारे में, तो पांचवा डिफरेंस है इसका डिज़ाइन। आप देख रहे होंगे कि जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर है वो हमारा साइज़ में बड़ा है, और जो हमारा ग्लास सील है वो साइज़ में छोटी है। तो उसका मेन डिफरेंस यही है कि जो ये हमारे इसके जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हैवी है, हैवी कॉन्ट्रैक्ट के कारण इसके साइज़ को हमें बड़ा करना पड़ता है, जबकि इसके जो इसका जो साइज़ है वो कॉम्पैक्ट है। इसका रीज़न यही है कि इसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हल्के हैं, यानी कि 6 एम्पियर जब 5 एम्पियर तक ही कर ले सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा करंट इसमें पास करवाएंगे तो इसकी जो कोयल है वो सड़ जाएगी, यानी इसके जो पॉइंट है वो सड़ जाएंगे और इसकी वर्किंग बंद हो जाएगी, और उस केस में हमें इन ग्लास को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को हम बार बार चेंज नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ शॉर्ट सर्किट के केस में ख़राब होंगे, लेकिन अगर हम इसमें हैवी करंट को पास करवाएंगे तो ये मेरा फ्रंट ऑफ काम करेंगे। दोस्तों, मैंने आपके इसके 5 डिफरेंस आपको क्लियर कर दिए हैं। फिर भी आपको अगर इस वीडियो में कोई आपको डाउट रह गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके उस कमेंट का मैं जवाब दूँ और आपके जो भी डाउट हों उसको मैं क्लियर करूँ। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।